हाँ हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा 9th क्लास का 17th लेक्चर है। इसमें आज हम फ्लूइड प्रेशर का जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, जो फ्लूइड है आपका, उसमें लिक्विड और गैस दोनों आते हैं। फ्लूइड का मतलब होता है कि जो उसमें फ्लो हो सके। हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर नोट किया है। ए सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड एज लिक्विड एंड गैस। ठीक, देखिए, इसके पहले के लेक्चर में हमने प्रेशर का डिस्कशन किया है। जब भी हम किसी सरफेस के ऊपर किसी अगर हम सॉलिड बॉडी को रख दें, तो ये जो फोर्स क्रिएट करता है या थ्रस्ट लगाता है, वो केवल लोअर सरफेस में जो इसके टच में है यहाँ पर, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट करता है इस कॉपी के या उसके ऊपर जिस सरफेस पर ये रखा हुआ है। ठीक, लेकिन फ्लूइड का सिचुएशन कुछ अलग होती है। अगर आप किसी लिक्विड में या गैस हो उसके अंदर किसी ब्लॉक को रखते हैं, तो उसमें जो प्रेशर एग्जर्ट होता है वो सभी सरफेस पर होता है और सभी डायरेक्शन में, यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये जैसे कोई ब्लॉक है, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, ऊपर एटमॉस्फेरिक की पूरी एयर है, नीचे भी एयर है, इसमें जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, उसका जो डायरेक्शन है उसे चेक करें, ऊपर के सरफेस पर इधर होगा, इस वाले सरफेस पर ऐसे लगेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस सरफेस पर ऐसे एग्जर्ट होगा, नीचे वाले सरफेस पर ध्यान देना ऊपर की तरफ लगेगा। यानी कि जो प्रेशर एग्जर्ट होता है लिक्विड में या फ्लूइड में, उसमें सभी सरफेस पर लगेगा और सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने नोट किया है सॉलिड एंड फ्लूइड बोथ एग्जर्ट प्रेशर। प्रेशर क्यों लगता है? प्रेशर इसलिए लगता है अपने जो वेट होता है उसकी वजह से। जैसे आपने ये ब्लॉक रखा और ये ब्लॉक जो है इसके ऊपर रखा, तो इस पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो इसके वेट की वजह से। ठीक, ठीक इसी तरह से जो लिक्विड में या फ्लूइड में जो प्रेशर लगता है, वो जो इस कंटेनर में लिक्विड फिलअप है उसकी वजह से प्रेशर लगेगा, ऊपर को, यहाँ पर भी, इधर भी और इधर भी, चारों तरफ प्रेशर परपेंडिकुलर टू सरफेस लगेगा। तो फ्लूइड कंटेंट इन विसिल एग्जर्ट प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स एंड इन ऑल डायरेक्शन। ऑल डायरेक्शन का मतलब यही है कि सभी सरफेस पर। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दें, जो वॉल होती है यहाँ पर, जैसे ये रूम है, तो इसमें यहाँ पर ये बोर्ड है, इसमें एयर प्रेशर ऐसे एग्जर्ट करेगा ऐसे, और ये आप थोड़ा आगे के क्लास में पढ़ेंगे। प्रेशर का जो ओरिजिनल कॉज होता है वो ये है कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं या जो लिक्विड में के मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड कंटेनर में, वो इस वाल पर ऐसे स्ट्राइक करते हैं। ठीक, स्ट्राइक करने पर वो वापस आते हैं, उसमें मोमेंटम का चेंज होगा, क्योंकि जब स्ट्राइक करेंगे तो वेलोसिटी होगी, मास को उसमें मल्टीप्लाई करें तो मोमेंटम होगा, रिटर्न आया तो चेंज इन मोमेंटम होगा, न्यूटन्स लॉ में जैसा कि आपने पढ़ा है। एक रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है और फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है। यानी जो ओरिजिनल कॉज है वो मॉलिक्यूल्स का स्ट्राइक करना है वाल पर। ठीक, तो फ्लूइड में आप समझ गए होंगे कि प्रेशर जो है वो सभी सरफेस पर लगता है। ठीक, इसका एक डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं बुक्स में आपके यहाँ, कि अगर किसी कंटेनर में हम लिक्विड को फिलअप कर दें और उसमें होल कर दें, ठीक, और ये जो होल है, पहले तो आप एक पॉइंट समझ लें, अगर हम इसमें ये एच डेप्थ, ये वाटर यहाँ तक फिलअप है, एच डेप्थ पर, नीचे ऊपर से एच डेप्थ है, इससे हमने अगर लिक्विड की जो यहाँ वेलोसिटी होती है उसका फार्मूला रूट टू जी एच होता है, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एच इसकी डेप्थ है, ये फार्मूला आप 11th में पढ़ेंगे। यहाँ पर ध्यान दें, आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक, अगर आप डिफरेंट पॉइंट्स पर यहाँ पर होल करें और थंब से उसको यहाँ पर प्रेस करके रखें रोक कर, तो नीचे की तरफ आपको ऐसा लगेगा कि प्रेशर ज़्यादा थंब पर एग्जर्ट हो रहा है। ठीक, यानी जितना नीचे जाएंगे उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर इसका मतलब है कि डेप्थ जितनी ज़्यादा होगी उतना प्रेशर ज़्यादा होगा, डेप्थ के साथ प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक, दूसरी बात ध्यान रखना कि यहाँ पर जिस समय आप यहाँ पर होल करते हैं, तो जो अगर ठीक इसके सेंटर पर होल किया जाए बीच में,
तो ये जो लिक्विड होता है वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर गिरता है अगर ठीक सेंटर पर होल करें। ठीक, यहाँ पर हम दे रहे हैं आपको डिस्कशन, ये आप आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर होल करें तो सबसे ज्यादा दूर यहाँ पर जो है वो वाटर गिरेगा, उसको हम रेंज बोला करते हैं। जैसे यहां से गिरा तो ये रेंज हो गई यहां से यहां तक की। इसके ऊपर अगर ध्यान देना, अगर इसके ऊपर सेम हाइट पर एक, जैसे हमने 10 सेंटीमीटर ले लिया, अगर हमने होल किया तो वाटर इसके पहले आएगा और इसके नीचे अगर 10 पर करेंगे वो भी यहीं पर गिरेगा। ठीक, यानी कि रेंज जो है इसके ऊपर भी कम होगी और इसके नीचे भी कम होगी। तो जो कुछ बुक्स में दिया हुआ है कि डेप्थ के साथ इसकी रेंज इंक्रीज होती है वो रॉन्ग है। सबसे ज्यादा जो रेंज होती है वो सेंटर पर होती है यहाँ पर, और इसके ऊपर और नीचे सेम डिस्टेंस अगर देखेंगे तो एक ही पॉइंट पर वो गिरता है। ओके, तो रेंज से हम प्रेशर को डिसाइड नहीं करेंगे, हम थंब को लगाकर यहाँ पर चेक करेंगे, उससे पता लग जाएगा कि जितना आप डेप्थ में जाते हैं उतना प्रेशर ज्यादा होगा। अब किसी लिक्विड कंटेनर के अंदर अगर वाटर या लिक्विड फिलअप है, उसका जो प्रेशर का फार्मूला है वो एच रो जी है। एच डेप्थ है, रो डेंसिटी है, ये रो जो है वो इससे लिखते हैं, डी भी लिख सकते हैं इस तरह से, ये की तरह थोड़ा एटेल ऐसे। तो लिक्विड जो लिया है उसकी डेंसिटी रो ली है, रो ध्यान रखें। एक लिक्विड जो है वो स्टेशनरी है, मूविंग में नहीं है, फ्लो नहीं हो रहा है। आप ध्यान दें, हम जिस पॉइंट पर प्रेशर हमें कैलकुलेशन करना है, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ओ है, यहाँ मुझे प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो इसमें इसको टच करते हुए इसके ऊपर जो लिक्विड है उसमें एक सिलिंड्रिकल कंटेनर बनाइए। ठीक, ये जो सिलिंड्रिकल कंटेनर यहाँ पर जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा वही प्रेशर ओ पॉइंट पर होगा, क्योंकि प्रेशर का जो ओरिजिनल कॉज है वो क्या है आपने नोट किया है, वो वेट है। इसके ऊपर का जो लिक्विड कॉलम वेट एग्जर्ट करेगा, यानी कि जिसे हम थ्रस्ट बोलेंगे, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, वो प्रेशर होगा। तो लिक्विड स्टेशनरी है, इसमें इमेजिन करें ये सिलेंडर कॉलम पी क्यू आर एस। ठीक, ये बेस के ठीक सेंटर पर है ओ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर ए ले लिया इसका। ठीक, प्रेशर ऑन द सरफेस पी क्यू हमने नोट भी किया है, विल बी ड्यू टू द वेट ऑफ लिक्विड कॉलम, ये जो इसके ऊपर का लिक्विड कॉलम है वो उसके वेट की वजह से लगेगा, एबव द सरफेस पी क्यू। तो पहले वेट का कैलकुलेशन किया जाए, जो कि यहाँ पर 90 डिग्री पर एग्जर्ट होगा, उसे हम थ्रस्ट बोलेंगे। तो देखें, थ्रस्ट एग्जर्टेड ऑन सरफेस पी क्यू, पी क्यू सरफेस पर थ्रस्ट कितना लगेगा, वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम PQRS, वेट mg के इक्वल होता है, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। आप यहां पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वेट mg के इक्वल मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इसका जो आपने सिलेंडर एज्यूम किया है, तो वॉल्यूम इसका क्या होगा, एरिया बेस का यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया है इनटू हाइट। डेंसिटी रो ऊपर हम नोट कर चुके हैं, तो एरिया हमने ए एज्यूम किया है, हाइट इसकी यहाँ से यहाँ तक एच है, डेंसिटी रो है, जी है, तो थ्रस्ट आपका आ गया ए एच रो जी। ठीक, अब यहाँ पर यानी कि अब जो प्रेशर आप निकालेंगे तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। ठीक, यानी यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा वो नीचे जो वेट लग रहा है एम जी, इसकी वजह से लगेगा। ओके, तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, एरिया को कैंसिल कर दें तो प्रेशर का ये डेरिवेशन बनता है एच रो जी। ठीक, एच डेप्थ है जहां पर आपको कैलकुलेशन करना है, रो डेंसिटी है, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। किसी भी कंटेनर के अंदर, जैसे ये कोई कंटेनर है, इसमें अगर ये लिक्विड फिलअप है तो अगर आप एच डेप्थ पर देखेंगे तो यहां पर प्रेशर, इस जैसे ये रूम है, सभी वॉल पर चारों तरफ प्रेशर यहां पर लग रहा होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक, यानी कि प्रेशर किस किस पर डिपेंड करता है, डेप्थ पर, डेंसिटी लिक्विड और जी पर। दूसरी बात यह कि इसके ऊपर ये जो हमने प्रेशर का कैलकुलेशन किया है ये लिक्विड कॉलम की वजह से है, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग होता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप काउंट करते हैं तो जो टोटल प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस
प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम होगा, उसे हम आपका टोटल प्रेशर बोलेंगे। ठीक, तो एटमॉस्फेयर ऊपर से अलग प्रेशर डाल रहा है और लिक्विड कॉलम अलग प्रेशर डालेगा। हाँ देखिए, जैसे ये कोई कंटेनर है, इसमें ये कोई लिक्विड फिलअप है और लिक्विड की जो टोटल हाइट है वो एच है लिक्विड कॉलम की, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पी नॉट लिखा है, जनरली पी नॉट से लिखते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नीचे की तरफ पड़ रहा है, इसलिए जो लोअर मोस्ट पॉइंट होगा यहाँ पर जो टोटल प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी होगा। ठीक, तो अगर टोटल प्रेशर कहीं पर भी पूछा जाए तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जरूर प्लस करें। अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द प्रेशर, वो आप समझ गए हैं एच रो जी फार्मूला है। तो पहला तो डेप्थ पर डिपेंड करता है कि डेप्थ ऑफ द पॉइंट बिलो द फ्री सरफेस, जो फ्री सरफेस है इसके कितने नीचे आप देख रहे हैं कि प्रेशर, अगर यहाँ निकालेंगे तो यहाँ ऊपर तक की ये डेप्थ ली जाएगी, अगर यहाँ बॉटम पर निकालेंगे तो टोटल डेप्थ ली जाएगी। तो डेप्थ ऑफ द पॉइंट बिलो द फ्री सरफेस। दूसरा डेंसिटी लिक्विड की, अगर लिक्विड चेंज कर देंगे तो सेम लेवल पर प्रेशर अलग हो जाएगा। और तीसरा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जैसे जैसे अगर ग्रेविटी चेंज होगी, अगर आप एक ही प्लेस पर देखेंगे अर्थ पर तो वहां पर ग्रेविटी फिक्स होती है, ऐसी कंडीशन में प्रेशर केवल डेंसिटी और एच पर डिपेंड करेगा। ठीक, और यहाँ पर ध्यान दें कि प्रेशर का फार्मूला जो है उसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसलिए जो ग्रेविटी फ्री स्पेस होगा जहाँ ग्रेविटी जीरो है वहाँ पर प्रेशर एग्जर्ट नहीं होगा। जैसे कोई लिफ्ट होती है या सैटेलाइट है उनमें ग्रेविटी फ्री होता है, उसमें जो है वो प्रेशर एग्जर्ट नहीं होता है या बहुत ही नेग्लिजिबल है। ठीक, तो प्रेशर जो है किस किस पर डिपेंड नहीं करता है, शेप साइज ऑफ द वेसल, कंटेनर के शेप साइज से कोई मतलब नहीं है, और बेस के एरिया ऑफ द बेस, अच्छी तरह से ध्यान रखें, इन पर डिपेंड नहीं करता है। हमने ये तीन कंटेनर बनाए हैं, इन तीनों में जो लिक्विड फिलअप है वो सेम हाइट तक है, जैसे ये सीधा कंटेनर है इसमें लिक्विड एच हाइट तक फिलअप है, तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो एच रो जी होगा। ये हमने एक दूसरा कंटेनर बनाया है, इसमें भी जो है, लेकिन इसमें लिक्विड की हाइट एच है, कंटेनर का शेप चेंज हो गया, शेप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फार्मूला में केवल एच रो जी है, इसलिए यहाँ पर प्रेशर एच रो जी लगेगा। ठीक इसी तरह से ये कंटेनर इस शेप का है, इसमें भी जो लिक्विड कॉलम है वो एच तक है, इसलिए जो प्रेशर नीचे आर पर लगेगा वो सेम एच रो जी लगेगा, यानी प्रेशर पी क्यू आर पर सेम होगा, वो एच रो जी के इक्वल होगा। प्रेशर शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता है और बेस एरिया पर भी नहीं, एरिया आप कम ज़्यादा करें उससे कुछ मतलब नहीं है। ठीक, इसके बेसिस पर जो है वो फ्लूड प्रेशर के लॉ बनाए गए हैं। इसमें पहला लॉ है प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डेप्थ, प्रेशर डेप्थ के साथ नीचे जाएंगे जैसे जैसे इंक्रीज होगा। आपने देखा होगा कि सी में, समुद्र में आप नीचे जब जाते हैं वाटर में, तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे वहां पर प्रेशर इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक, इन स्टेशनरी लिक्विड प्रेशर इज सेम होगा इन ऑल पॉइंट्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, अगर फ्लो नहीं हो रहा है लिक्विड का तो प्रेशर एक ही लेवल पर सेम होता है, यानी कि जैसे ये कोई कंटेनर है इसमें आप अगर एक लेवल पर देखेंगे तो एक लेवल पर सेम प्रेशर होगा सभी पॉइंट पर। ठीक, आगे ये काम आता है पॉइंट काफी न्यूमेरिकल लगाने के, कि सेम लेवल पर सेम प्रेशर, एक जैसा लिक्विड होना चाहिए। ठीक, अगर आप कोई डिजाइनिंग इस तरह की बनाते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये लिक्विड फिलअप है और इसमें आपने ये कंटेनर ये पाइप अटैच कर दिया है, ठीक, इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पर लिक्विड फिलअप है तो इस तरह के उसमें अगर एक लेवल पर देखेंगे तो सेम लेवल पर सेम प्रेशर होगा, यहाँ 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 सेम प्रेशर होगा। ठीक है, किसी भी लिक्विड में जो है सेम लेवल पर सेम प्रेशर, तो प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन अबाउट ए पॉइंट इनसाइड द लिक्विड, अगर किसी लिक्विड कंटेनर के अंदर हम ये कंटेनर ले रहे हैं, इसमें कोई भी पॉइंट ले लें, इसमें चारों तरफ से ऐसे जो है वो प्रेशर पड़ता है ऐसे इन ऑल डायरेक्शन। ठीक, तो थर्ड पॉइंट, प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन अबाउट ए पॉइंट इन साइड द लिक्विड, और प्रेशर डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी, डेंसिटी पर डिपेंड करता है। अगर आप इसमें यही एक कंटेनर ले लें और इसमें अगर इस पॉइंट पर प्रेशर यहाँ पर जो भी हाइट दी है, मान लीजिए हाइट एच यहाँ तक है, या सरफेस पर ले लें हाइट यहाँ पर एच है टोटल, तो यहाँ प्रेशर कितना है एच रो जी, अगर लिक्विड चेंज कर देंगे तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी, प्रेशर चेंज हो जाएगा,
any pressure depends on the density is different in the different liquid at the same level par bhi agar aap liquid ko change karte hain different liquid lete hain to usme jo pressure hai wo different aayega. Isme aap jo formula hai pressure ka h rho g uske relation mein kuch example check karenge. Dekhiye jo sea water hota hai उसकी डेंसिटी जो है वो जनरल वाटर जो है उसकी डेंसिटी से ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें साल्ट होता है. तो इसलिए सेम लेवल पर जो प्रेशर होता है वो सी वाटर का प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है. प्रेशर के फार्मूला में एच रो जी है, रो डेंसिटी है, इसलिए डेंसिटी इंक्रीज होगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा. तो प्रेशर एट ए सर्टेन डेप्थ इन सी वाटर इज मोर देन एट द सेम डेप्थ इन रिवर वाटर. ठीक, क्यों? बिकॉज डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज ग्रेटर देन का साइन है ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ रिवर वाटर. ध्यान रखना पॉइंट जो है. इसी तरह से जो डैम बनाए जाते हैं, डैम में ये इस तरफ लैंड है, यहाँ वाटर है और नेचुरल है कि वाटर का प्रेशर डेप्थ के साथ इंक्रीज होगा. तो इसको रोकने के लिए जो साइड में ये वॉल लगाई जाएगी इसकी जो विड्थ है वो धीरे धीरे नीचे को इंक्रीज की जाएगी. तो यहाँ लिखा है थिकनेस इंक्रीजिंग वॉल है डैम की, ये वाटर है, प्रेशर नीचे के जाने पर इंक्रीज होगा क्योंकि प्रेशर का फार्मूला एच रो जी है. तो वॉल ऑफ द डैम इज मेड थिकर एट द बॉटम. फार्मूला लिखें, डायग्राम बनाएं पेपरों में और दिखा दें कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, इसलिए यहाँ पर फोर्स ज़्यादा पड़ेगा. ये प्रेशर की लाइन दिखाई गई, यहाँ प्रेशर कम है, ये लाइन बड़ी बनाई और बड़ी बनाए और इंक्रीज करें जिससे कि शो हो कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. हमने एरो लगा के यहाँ दिखा दिया. ठीक है, और यहाँ पर थिकनेस इंक्रीज होगी क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, उसको रोकने के लिए नेचुरल है कि वाल की थिकनेस ज़्यादा बनाई जाएगी. इसी तरह से आपने देखा होगा घरों में यहाँ पर जो वाटर सप्लाई टैंक होते हैं कॉलोनी में जो दिए जाते हैं वो बहुत हाइट पर ऊँचे बनाए जाते हैं. सबके यहाँ वाटर की टंकी बनी हुई है पानी की, वो बहुत हाइट पर है क्योंकि वहाँ से नीचे कनेक्शन करके पाइप से आपके घरों में आता है तो सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर वहाँ तक वाटर ठीक से प्रेशर के साथ आ जाए, इसलिए प्रेशर वाटर को हाइट पर टंकी में रखा जाता है. तो वाटर टैंक जो है वो हाई लेवल पर रखे जाते हैं. ठीक, घरों में भी आप बिल्डिंग में हाइट पर रखते हैं नहीं तो नीचे प्रेशर ठीक ठाक नहीं आएगा. इसी तरह से जो लोग डाइवर होते हैं यानी कि जो समुद्र में गोताखोर हैं जो नीचे वाटर के जाते हैं और वो तरह तरह से रिसर्च में और बहुत सारे में यूज होता है, उनका जो सूट होता है वो स्पेशल बनाया जाता है क्योंकि नीचे जाने पर एक तो वाटर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जैसे ये वाटर फिलअप है ऊपर से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगता है, वो तो सभी पर लगेगा, पूरे हर जगह लगेगा. और जैसे जैसे नीचे जाएंगे डेप्थ में वाटर का प्रेशर भी बढ़ेगा, इसलिए नीचे जाने पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है. हमारी जो बॉडी है उसमें जो ब्लड प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सस्टेन करने के लिए बना है. अगर आप प्रेशर बहुत ज़्यादा कर देंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी. आपने देखा होगा कि हिल एरिया में जाएंगे तो वहाँ प्रेशर कम होता है, ठीक है ना, और जब डेप्थ में कहीं पर चले जाएं तो प्रेशर बढ़ जाता है. तो डाइवर सूट जो है वो टोटल प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द डाइवर बॉडी इज मच मोर देन डाइवर ब्लड प्रेशर. ये उसके ब्लड प्रेशर जो है उसे बहुत ज़्यादा हो जाता है नीचे, इसको विदस्टैंड करने के लिए डाइवर्स नीड ए स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट बनाते हैं, ठीक है ना. तो मेड फ्रॉम, ये ध्यान रखना किससे बना होता है, ये ग्लास रेनफोर्स्ड प्लास्टिक होता है, ठीक, मिक्स होगा उसको करके, या कास्ट एल्युमिनियम का बनता है. ठीक, तो प्रेशर इनसाइड द सूट इज मेंटेन्ड एट वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके अंदर वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पर प्रेशर को मेंटेन रखते हैं. ठीक है, तो स्पेशल सूट बनाया जाता है. आप वाटर के नीचे जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ वाटर का प्रेशर भी लगेगा. ठीक है, अगर आप जो है वो बहुत ज़्यादा सूट अगर नहीं पहनेंगे तो आपका जो प्रेशर ज़्यादा होने से आपकी जो वेंस हैं वो क्रैक्स हो जाएंगे क्योंकि बाहर से प्रेशर लगेगा. इसी तरह से जब आप कोई वाटर का टैंक लें और उसमें जो एयर बबल बने या किसी भी गैस का बबल हो तो नीचे बबल का साइज छोटा होता है, जैसे जैसे ये ऊपर आता है बबल का साइज बढ़ता जाता है. हमने ये बड़ा बनाया, इससे और बड़ा बना दिया. क्यों? ऊपर आने पर प्रेशर कम हो जाता है. प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ता है. इसके लिए जो है वो बॉयल्स लॉ होता है, जिनको नहीं मालूम है नाइन्थ में वो ध्यान रखना, आगे पढ़ेंगे. बॉयल्स लॉ में है प्रेशर, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है सेम टेम्परेचर पर. टेम्परेचर सेम होना चाहिए, मास भी सेम रहता है, टेम्परेचर जरूर ध्यान रखें सेम हो. ठीक, तो आगे चल के पढ़ेंगे, मास भी होता है इसमें कॉन्स्टेंट,
तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर प्रेशर कम होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है तो नेचुरल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो ऊपर आने पर जो प्रेशर जो है वो कम हो जाता है यहाँ पर, जिससे कि इसका साइज बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसके लिए अगर कभी कोई क्वेश्चन कहीं आता है तो इन दोनों में आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, पी वी कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पर प्रेशर पी वन ले लिया, वॉल्यूम बी वन ले लिया, तो पी वन बी वन इज इक्वल टू, यहाँ प्रेशर पी टू ले लिया, वॉल्यूम पी टू ले लिया, पी टू बी टू, ठीक। और ये स्फेरिकल होता है, कभी अगर वॉल्यूम की वैल्यू रखनी पड़ जाए, रेडियस निकालना हो तो 4/3 πr³ रखना, क्योंकि ये स्फेयर के वॉल्यूम का फार्मूला है। तो प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वाटर के सरफेस पर जब एयर बबल या किसी भी गैस का बबल आएगा तो उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से देखें तो प्रेशर अगर हाफ हो गया तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा, ठीक है ना, जिससे कि पी इंटू वी कॉन्स्टेंट रहे। तो ये एग्जाम्पल आप अच्छी तरह से ध्यान रखना। हाँ, इसमें जरा आप न्यूमेरिकल चेक करें एक दो, देखिए ये वाटर टैंक है, इसमें जो अंदर एक क्यूब रखा हुआ है, ठीक, क्यूब जो है उसकी साइज जो है वो 15 सेंटीमीटर साइड का है, ठीक, 6 फेस होते हैं, ऊपर से ये 20 सेंटीमीटर वाटर का लेवल है, इसके नीचे ये क्यूब है, क्यूब का साइड 15 सेंटीमीटर है, ठीक। डेंसिटी वाटर की दी हुई है 10^3 kg/m³, और प्रेशर एटमॉस्फेरिक दिया हुआ है, पी नॉट लिखते हैं हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10^5 N/m² तो प्रेशर निकालना है टॉप ऑफ द क्यूब, ऊपर यहाँ पर, तो इसके ऊपर एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और प्लस वाटर कॉलम का, तो पी नॉट प्लस एच रो जी, पी नॉट की वैल्यू डालें 10^5 एच रो जी, एच यहाँ पर चेक करो 20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें, डेंसिटी वाटर की रखें 10^3, जी की वैल्यू 9.8, यहाँ कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखना ये बीच में प्लस का साइन है, इसमें 10^5 है तो यहाँ पर भी 10^5 बनाए, इसके लिए 3 ये है तो इसमें हमने डेसिमल लगा दिया, यहाँ पर 2 डिजिट पहले डेसिमल लगाया तो 2 यहाँ पर इंक्रीज कर दीजिए, ये 10^5 हो गया, ये 0.2 हो गया, ठीक, 0 यहां लगाने से कोई फायदा नहीं है, 9.8 यहां रखें, 10^-2 ये है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 0.0196 आएगा, इन दोनों में से 10^5 को कॉमन ले लें, यहां से 1 आएगा, यहां से 0.0196 आएगा, ये 1+1.0196 हो गया इनटू 10^5 यूनिट पास्कल में लिखें या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक। इसी तरह से प्रेशर, इसको हमने P1 लिखा है, बॉटम पर प्रेशर, बॉटम पर जो यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ है वो 20+15 यानी कि 35 सेंटीमीटर होगी, तो P0 प्लस एच रो जी लगाएं, P0 की वैल्यू 10^5 है प्लस एच रो जी, एच आपका 35 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करें, डेंसिटी रखें, जी की वैल्यू रखें, जैसे हमने यहाँ कैलकुलेशन किया है वैसे यहाँ कॉमन लेके कैलकुलेशन करें तो ये P2 आएगा। अब रिजल्टेंट प्रेशर कितना होगा, देखिए ये P2 जो है नीचे वाले सरफेस पर ऊपर की तरफ लगेगा, P1 नीचे की तरफ लगेगा, इसलिए से इस प्रेशर में से ये माइनस कर दें, साइड में जो प्रेशर लगते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से, क्योंकि साइड में जो प्रेशर होगा वो एक इधर लगेगा, इसलिए ये दोनों आपस में कैंसिल है, नेट प्रेशर ऊपर की तरफ को लगेगा जो कि पी टू माइनस पी वन होगा, इसलिए पी टू में से पी वन को माइनस कर दें तो ये प्रेशर आ गया पास्कल में। अब रिजल्टेंट थ्रस्ट पूछा है, थ्रस्ट होता है प्रेशर इनटू एरिया, तो एरिया निकालें, इसके क्यूब का जो बेस होगा वो 15/15 cm का बेस है, इसलिए एरिया बेस का निकालें, 15/15 इंटू 10^-4 इसे मीटर में चेंज करें, ये एरिया आ गया। अब थ्रस्ट निकालने के लिए प्रेशर इंटू एरिया लगाएं, प्रेशर आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि अपवर्ड लग रहा है, उसमें एरिया को मल्टीप्लाई कर दें तो नेट फोर्स आ जाएगा, ये 33.04 N अपवर्ड फोर्स आया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा चेक करें आप, ये एक यूट्यूब है, इसकी लेंथ 2 मीटर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है 1.013 × 10^5 N/m², न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल एक ही यूनिट है। इस यूट्यूब में ये बेस है इसका जिस पर ये है, इंक्लाइंड है, इसकी जो वर्टिकल हाइट है, इस पर 3 पॉइंट लिए हैं A, B, C, इसकी जो वर्टिकल हाइट है वो ए की टोटल 100 सेंटीमीटर है 60+40 और बी जो है वो बेस से 40 सेंटीमीटर है, सी लोअर सरफेस पर है। लिक्विड जो इसमें फिलअप है उसकी डेंसिटी गिवन है 0.9 × 10^3 kg/m³। हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है पहले ए बी सी पर,
तो इसमें ध्यान रखना, देखिए ए जो है वो सबसे ऊपर है, इसलिए इसके ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा केवल, ठीक। तो प्रेशर एट पॉइंट ए पी नॉट होगा, पी नॉट हम पी ए इज इक्वल टू पी नॉट होगा, पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो 1.013 इंटू 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब प्रेशर बी पॉइंट पर, तो प्रेशर में ध्यान रखें कि लेंथ नहीं ली जाती है, वर्टिकल हाइट ली जाती है। तो बी पॉइंट पर प्रेशर जो लगेगा, एक तो ऊपर एटमॉस्फेरिक का प्रेशर होगा, और बी से जहां तक ये लिक्विड फिलअप है ए और बी में, इसकी वर्टिकल हाइट, ये लेंथ नहीं लगेगी, ये वर्टिकल हाइट जो कि 60 सेंटीमीटर है। बी से यहाँ पर एरो लगा के दिखाया गया है, ए और बी की जो डिफरेंस है डिस्टेंस का वो 60 है वर्टिकल में ऐसे, तो इसलिए यहाँ हाइट बी पर वर्टिकल हाइट लें, 60 सेंटीमीटर लें। तो प्रेशर एट पॉइंट बी जो है वो पी नॉट प्लस प्रेशर ड्यू टू 60 सेंटीमीटर हाइट होगा लिक्विड कॉलम का, जो एच रो जी फार्मूला लगेगा। पी नॉट की वैल्यू 1.013 × 10^5 है, एच हमारा 0.6 हो गया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, डेंसिटी 0.9 × 10^3 दी हुई है, जी की वैल्यू 9.8 डालें। पहले यहाँ पर 10^5 बनाएं, ठीक, और कॉमन लेके तब इनको प्लस करें, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो आंसर आपका आया है 1.066 × 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब प्रेशर सी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर जो प्रेशर लगेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, प्लस इसकी वर्टिकल हाइट यहाँ से यहाँ तक की 100 सेंटीमीटर है, इसलिए हाइट आप 100 सेंटीमीटर लें। पी नॉट आपका हो गया 1.013 × 10^5 प्लस एच रो जी, एच हमने सी लिख दिया, यानी कि सी पॉइंट की हाइट, वर्टिकल हाइट सीधी 1 मीटर है, मीटर में जरूर कन्वर्ट करें, डेंसिटी मल्टीप्लाई करें, गिवन है डेंसिटी जी 9.8, इसको हमने कैलकुलेट किया है, यहाँ पर 0.9 ये तो 1 है, इसे 2 डेसिमल लेफ्ट में ले जाएं, यानी कि 0.098 और 2 जीरो इसमें बढ़ा दें 3 में, ये 5 कर दें, इन दोनों में 10^5 को कॉमन ले लें, यहाँ से 1.013 बचा, ये 0.9 है, ये 0.098 है, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 0.0882 आएगा, ठीक। अब इसमें इनको प्लस कर लें तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से सब जगह पावर को सेम बनाकर तब प्लस करें। अब दिया है कि अगर इस वर्टिकल ट्यूब को जो है ये इंक्लाइंड है, अगर इसको सीधा कर दें तब सी पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, और कभी पूछ सकते हैं। तो सी पॉइंट अगर इसको सीधा कर देंगे तो लेंथ इसकी 2 मीटर है, तो यहाँ पर जो हाइट होगी वो सीधी 2 मीटर हो जाएगी। तो पी नॉट प्लस एच रो जी, ऊपर से पी नॉट प्रेशर और एच रो जी लगेगा वर्टिकल कॉलम का प्रेशर, जो कि ये यहाँ से यहाँ तक का लिक्विड फिलअप है, नीचे ये पी नॉट लगेगा, दोनों ऐड कर दें। तो पी नॉट 1.013 × 10^5, हाइट 2 है, रो आपका दिया है 0.9 × 10^3 और जी की वैल्यू 9.8, फिर इसको 10^5 बनाएं, कॉमन लें तो ये आंसर आ जाएगा 1.189 × 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ, अब आप जरा जो है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को चेक करें। इसमें एक यूट्यूब है, इसमें मरकरी फिलअप है, ठीक, इस लेवल तक। इसमें एक ऑर्म में हमने वाटर को फिलअप कर दिया, वाटर जो डाला गया है वो 13.6 सेंटीमीटर हाइट तक डाला गया है, ठीक। इससे मरकरी यहाँ पर जो है वो नीचे प्रेस होगा और इसमें लेवल ऊपर उठ जाएगा। तो इन दोनों आर्म में यहाँ पर ये मरकरी का लेवल निकालना है कि कितनी हाइट तक ये ऊपर जाएगा। इसकी हाइट हमने एच जी लिख दी है, एच जी मरकरी है। तो यहाँ पर ये सेम लिक्विड है ए और बी पर, यहाँ पर सेम लेवल पर सेम प्रेशर होगा, ठीक। तो ए पॉइंट का प्रेशर बी पॉइंट के प्रेशर के इक्वल कर दें। डेंसिटी गिवन है मरकरी की 13.6 × 10^3, वाटर की 1 × 10^3 kg पर मीटर क्यूब। प्रेशर इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक भी लग रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो पी नॉट प्लस इसके ऊपर वाटर का कॉलम एच डब्ल्यू, डेंसिटी वाटर की जी, प्लस यहाँ बी पॉइंट पर प्रेशर, ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से लगेगा, और प्लस मरकरी की हाइट, डेंसिटी मरकरी की और जी। यहाँ पर ये पहले पी नॉट को कैंसिल करें,
फिर जी भी कैंसिल हो जाएगा, तो एच डब्ल्यू, रो डब्ल्यू, एच जी और रो एच जी, यानी हाइट वाटर की, डेंसिटी वाटर की, मरकरी की हाइट, मरकरी की डेंसिटी। हमें मरकरी की हाइट निकालनी है, तो आप ये यहाँ पर इसको डिवाइड कर दें ठीक, और वैल्यू पुट अप कर दें, तो वाटर की डेंसिटी जो है वो 10^3 है, इसकी 13.6 इंटू 10^3 है। वाटर की जो हाइट यहाँ पर है वो 13.6 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करें, ये 13.6 कैंसिल हो गए, 10^3 कैंसिल हो गया, तो 10^-2 मीटर आया, यानी कि 1 सेंटीमीटर, यानी दोनों आर्म में जो एक आर्म में मरकरी का लेवल ऊपर उठेगा वो 1 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन जो है वो लगाएंगे, प्रेशर के अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाएं इसी तरह से। तो ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, आप इसको प्रिपेयर करें। ओके।